अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग हम कर रहे हैं छत पे शुरू, क्योंकि हम जो है हम बना रहे हैं मीठे चावल गुड़ वाले। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है कराची का, ठीक है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, तो हम बना रहे हैं मीठे गुड़ वाले चावल। उसके लिए हम गुड़ ले आए हैं और चावल ले आए हैं। हम सोंगी वगैरह नहीं डाल रहे क्योंकि वो किशमिश वगैरह नहीं डाल रहे, मेवा नहीं डाल रहे क्योंकि हमें वो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब वो खाने में मुंह में आता है ना, मजा नहीं आता। ठीक है, और ये गुड़ है, ये चावल है तो मिठी बनाती है। ये रख लिया पतीला, ये जो मैं कल लेके आई थी, सही है। देखो ये काफी टाइम से पड़े हुए थे तो ये वहाँ पे पड़े ना खराब हो रही है। देखो ये इसका ढक्कन और इसका ही जो पतीला खराब हुआ, और आज फिर और इधर शहजादा देखो, मेरा शहजादा प्यारा सा, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और क्या उसको बोलते हैं, आज मैं आपको क्या बोलते बना रही हूँ चावल, आज फिर इतनी ज्यादा हवा चल रही है तो फिर जान ने कहना कि तुमने देर कर दी, क्योंकि हवा, आपको पता हवा से जो सेक है वो घूमता है, सेक नहीं लगता, और ये कच्चे चावल खाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम कह रही, अभी मम्मा चलाने लगी है चूल्हा। मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे प्यास लगी है, ठंडे पानी की बोतल ले आओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता शायद। तो मम्मा मैं लेके आती हूँ चावल, लेके ये पूरा वो बन के, ये मैं सारे बनाने लगे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उधर अम्मी लोग भी है ना, बड़े शौक से खाते हैं गुड़ वाले चावल। ये देखो ऊपर हवा चल रही है यार, ऊपर इतनी हवा चल रही है कि वो चल ही नहीं रहा। ऑयल जो है ना वो मेरा गर्म हो चुका है, सही है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, हना सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं चूल्हा जलाना है, सही है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो क्या बोलते हैं डब्बा नहीं आया था मेरे, तब यहाँ पे जो हवा जो है ना वो चल रही है, ऑयल मैंने डाल दिया था, ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑयल गर्म। तो यहाँ पे हमने 1 किलो लिया है गुड़ और 1 किलो ही चावल है, सही है। इसको हम अभी ये गर्म होता है तो अंदर डालते हैं, ये गुड़ बहुत ही मज़ेदार लजीज लग रहा है, जाओ मतलब मेरे भी थोड़ा सा रखा है ऐसा ही है ना। हाँ वो मेरे गले में जो खारिश होती है ना, ये चल रही क्या हुआ? मैंने बोला गुड़ वाले चावल में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सही है, तो आप मुझे बताना कमर से मैं गलत तो नहीं बना रही लेकिन मैंने जान तो बना के देने हैं, खिलाने हैं इसको, सही है, सही है ना। चावल भिगोए में नहीं भिगोने, मैं कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए, और वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसके करूंगी पानी ऐड, तो जो मतलब थोड़ा सा ये गुड़ जो रह गया ना, है ना, ये पिघल जाए उसके बाद पानी ऐड, हाँ नहीं वो पानी में डाल दूंगी उसके साथ ही ये हो जाएगा, खुद ही पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा। गुड़ ज्यादा नहीं है बिट्टी, नहीं किलो चावल है ना ये, हाँ तो आपने खुद ही डाला ना, आपको मीठा खाने की ज्यादा वो वाला, तो ये निकाल दो ढेले जो बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं कि उतना ही होता है? 1 किलो चावल है ना, है ना, तो गुड़ सही है, कितना फीका नहीं वो, इससे फीका बन जाता है ना। अच्छा हाँ, कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए, और वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसके करूंगी पानी ऐड, तो जो मतलब थोड़ा सा ये गुड़ जो रह गया ना, है ना, ये पिघल जाए उसके बाद पानी ऐड, हाँ नहीं वो पानी में डाल दूंगी उसके साथ ही ये हो जाएगा, खुद ही पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, क्योंकि गुड़ ज्यादा नहीं है बिट्टी, नहीं किलो चावल है ना ये, हाँ तो आपने खुद ही डाला ना, आपको मीठा खाने की ज्यादा वो वाला, तो ये निकाल दो ढेले जो बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं कि उतना ही होता है? 1 किलो चावल है ना, है ना, तो गुड़ सही है, तो 1 किलो कितना फीका नहीं वो, इससे फीका बन जाता है ना। अच्छा हाँ, कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए, और वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसके करूंगी पानी ऐड, तो जो मतलब थोड़ा सा ये गुड़ जो रह गया ना, है ना, ये पिघल जाए उसके बाद पानी ऐड, हाँ नहीं वो पानी में डाल दूंगी उसके साथ ही ये हो जाएगा, खुद ही पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा, क्योंकि गुड़ ज्यादा नहीं है बिट्टी, नहीं किलो चावल है ना ये, हाँ तो आपने खुद ही डाला ना, आपको मीठा खाने की ज्यादा वो वाला, तो ये निकाल दो ढेले जो बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं कि उतना ही होता है? 1 किलो चावल है ना, है ना, तो गुड़ सही है, कितना फीका नहीं वो, इससे फीका बन जाता है ना। अच्छा हाँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए, और वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसके करूंगी पानी ऐड,
तो जो मतलब थोड़ा सा ये गुड़ जो रह गया ना है ना ये पिघल जाए उसके बाद पानी आएगा। हाँ नहीं वो पानी में डाल दूंगी उसके साथ ही ये हो जाएगा, खुद ही पिघलता रहेगा। क्योंकि गुड़ ज्यादा नहीं है बिठी, नहीं किलो चावल है ना ये। हाँ तो आपने खुद ही डाला ना, आपको मीठा खाने की ज्यादा हो रहा है तो ये निकाल दो ढेले जो बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं के पर उतना ही होता है? एक किलो चावल है ना तो गुड़ सही है, एक किलो क्योंकि इतना फीका नहीं, वो इसलिए फीका बन जाता है ना। अच्छा हाँ अगर कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए और वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसके करूंगी पानी ऐड, तो जो मतलब थोड़ा सा ये गुड़ जो रह गया ना है ना ये पिघल जाए उसके बाद पानी आएगा। हाँ नहीं वो पानी में डाल दूंगी उसके साथ ही ये हो जाएगा, खुद ही पिघलता रहेगा। हाँ पिघलता रहेगा क्योंकि गुड़ ज्यादा नहीं है बिठी, नहीं किलो चावल है ना ये। हाँ तो आपने खुद ही डाला ना, आपको मीठा खाने की ज्यादा हो रहा है तो ये निकाल दो ढेले जो बड़े बड़े हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा नहीं के पर उतना ही होता है? एक किलो चावल है ना तो गुड़ सही है, एक किलो क्योंकि इतना फीका नहीं, वो ये फीका बन जाता है ना। अच्छा हाँ बारिश आ गई, ये देखो कितना प्यारा मौसम हो गया है। बारिश आ गई, तेज ना हो जाए, जूजू के ऊपर भी बारिश पड़ रही है। डालो डालो और ये पानी के चलो कुछ तो बनेगा ना, चावल ही बनेगा जान, आप बेफिक्र हो जाओ। कस्टर्ड ना बन जाए, मैं चाहता गाइस मैं चाहता लेके आ और रूज तो हमारी बिल्कुल हमारी अंजलि की तरह है, बिल्कुल डिस्टर्ब तंग कुछ भी नहीं करती। आए बिस्मिल्लिया क्या बात है बेचता, क्या बात है, कल दस कि देना बिताई, क्या बात है दादा मेरा वे मौत सौदा, कितना पारा लगता लेता हुआ और बारिश पड़ रही थी ऊपर आपके, नहीं कहती नहीं गोजो 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 गंदी चोकला। हाँ उठा ले उठा ले, आपको पता लेटे थे कोई इधर ना गपशप नहीं करने। तू क्या आगे ये हमारे लूज से लाड करते हैं तो नेहा आ जाती है ना, कह रही मुझसे करो लाड़ी, ये वो जलती है उससे इधर आ, ये देखो जा माशाल्लाह देखो ना ये है ना हंसी करदा लूज इधर तो मारो करा, वो देखो वो देख रही है अपने पापा को माशाल्लाह, ये अलग ही बच्चा नजर आता है। ये तो मेरी चौथी अंजलि है तुमने चार गोबो बना दिए चिप्स। अगर आप खाली घी के ऊपर चीनी या गुड़ रखेंगे वो तो गचक बन जाएगी ना, ये गुड़ के अंदर से पता नहीं क्या निकला है। हाँ थोड़ा बहुत कुछ होता है तो पुन लो सारा, वैसे तो कुछ नहीं साफ था। रो रही है बेटी, वो रही मुझे पकड़ो जान, उसको मोबाइल लगा के देता है तो वो फिर देखती है तो जब हटाते हैं तो रोने लग जाती है। नहीं ऐसा ही है, वो लेटी हुई है अकेली रो रही है। ये गुड़ वाले चावल, मेरा कल परसों का खाने का दिल कर रहा था, ख्याल से हाथ नहीं जला लेना। कोई बात नहीं आपके लिए जान भी हाजिर है, हाथ तो क्या है चावल आपको बना के दे रही है। मैंने बोला हाथ नहीं जला लेना, कोई तो मैं कह रही कोई बात नहीं। हाँ जब भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपके चावलों के लिए मेरे हाथ भी जल जाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने लगा। सही और मेरा मैं भी से मिलने का इतना दिल कर रहा है, मैं भी आ जा कोई मैसेज नहीं कोई कॉल नहीं, मैं अभी इसको मैसेज करता हूँ सलमान को। क्या मैसेज करते? हाँ क्या करते मैसेज? उसको मैं बोल रहा था आ जा तो वो बोल रहा था गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो है आपको पता, बच्चों को लेके आना हम नहीं कहीं निकलते हैं। ओ परदेसी बाबू ये क्या कर रहा है तू? परदेसी दही खा रहा, वो बोल रहा है या आप दूध नहीं लो बस दही वो कर लिया करो, दही ले लिया दही कर ले लिया करो वो खाया करो, कहना गर्मी बहुत हम खुद नहीं खाना खाते दही खाते हैं दही सही भी नहीं होता
ज्यादा खाना सही होता है। तो गाइस चावल दम पे रखे थे तो मम्मा कैसे बने अभी? दम पे नहीं रखे अभी, उसके अंदर पानी अभी करनी है, तो अभी इस अंदर इसी के पानी के अंदर ये चावल जो है ना सारे फूल जाएंगे। और ये देखिए ऐसे घुमाएंगे तो फिर जाके इसको हम हल्के से दम पे रख देंगे तो हमारे जो रेसिपी है जो मतलब हमारे चावल गुड़ वाले वो रेडी हो जाएंगे। चलो जो चावल है ना वो पता नहीं उनको क्या हो गया, उनको पता नहीं हमने भगोया नहीं है, मैंने तो अपने तरीके से बनाए हैं लेकिन वो हमने इतना पानी डाला लेकिन वो चावल जो ना गले ही नहीं है, पता नहीं क्या हो। कनी अभी भी कनी पे, लेकिन मैंने अभी दम पे लगा दिए हैं तो अभी देखते हैं जब दम उठाते हैं 10-15-20 मिनट ही लग जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि वो कनी पे है तो क्या उसको बोलते हैं पानी। मैंने अपने हिसाब से जैसे मैं बनाती वैसे मैंने बनाए क्योंकि हमेशा मैं बनाती हूँ तो मैंने कभी भगोए नहीं है, भगो के नहीं बनाती ना चावल, वैसे धोती हूँ, धो के थोड़ी देर वैसे धो के ना रख देती हूँ, तो मैंने अभी धोए हैं तो मैंने डाल दिए बीच में, भगोए नहीं थे मैंने तो अभी देखते हैं। मैंने दम पे लगा दिए, हमने दम पे चावल चढ़ा दिए, हमारे जो चावल है वो अभी देखते हैं आप, बस दुआ करना कि मेरी जो डिश है ना गुड़ वाले चावल मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे लेकिन अच्छे ही बनेंगे मुझे लगता है। आपको मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो या तो ख़राब हो जाती है या सही बन जाती है, लेकिन बना देती हूँ जैसे भी तो जो जोया उसको साड़ियाँ लगाने की पड़ी रहती, इसको भी इस साड़ी से ला के दूंगी, कोई भी दुपट्टा मिलता साड़ी लगा लेना। हाँ होके बैठ गया है। मियाँ जी कैसे हो? मैं बाइक पे जाना चाह रहा हूँ टूर पे, पाकिस्तान टूर पे। अच्छा तो मैं उसके बारे में देख रहा हूँ क्या चाहिए होता है कि मोटरसाइकिल को कैसे लेके जाते हैं। अच्छा। अभी मैंने ये वीडियो देखी है, वो लड़का जो है खुद ही उसी गाड़ी में बैठा है। अच्छा ये वाली वीडियो ना तो खुद ही उसी गाड़ी में बैठा है और उसी गाड़ी में बाइक करवाई है, बस इसके लिए एक लेटर बनवाना पड़ता है NOC। तो वो अभी आपने वो करना है ना? हाँ। तो आपने जाना, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं के साथ नहीं जा सकती। आपको पता है ना कि जारी बात है कि बंदा जा सकता है, यहाँ तो बच्चे के पास रहो, मैं आप चले जाओ मैं तो बोलता हूँ। तो मैं कैसे जाऊँ, मैं अकेले जा सकती? प्रॉब्लम हाँ आप अकेले जा नहीं सकते, मैं अकेले जा सकता हूँ। जाओ जाओ अकेले जाओ, मैं और सैम को जो है मैं सोच रहा हूँ साथ लेके जाऊँ, बच्चा है जिंदगी है घूम ले फिर ले, कल को पता नहीं ये दिन आए कि नहीं आए, इतना आज़ादी इतना मतलब कि फारिग हो के नहीं हो कि घूमें फिरें। सही सही घूमो घूमो भैया घूमो घूमो। क्या हुआ? कीड़ी जी यहाँ पे चिपकी हुई थी, कीड़ी उतार दी मैंने। चुक वाला अंदर की पके है, बिछोड़ा की बनाए, बिछोड़ा की बिछोड़ा बला बहुत प्यारी है, कणी है जे कड़ी है तो वही ना, मैं का थोड़ी देर हो रहा। माशाल्लाह से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं बिट्टी गुमानक, बड़ी ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो हमने वो चीजें नहीं डाली, वो किशमिश वगैरह हमने किशमिश वगैरह नहीं डाला खुद ही क्योंकि हम उसको खास पसंद नहीं करते, मुंह में आते नहीं करते, मुंह में आते हैं तो कई शौक से खाते हैं वो। हाँ तो वो तो आपके जो कह रहे से आएंगे तो आएंगे। कौन? आपके मेहमान। मेरा भाई है। अच्छा भाई मेहमान तो है ना, पंजाब से आए तो वो मेहमान ही हुए ना। हाँ, मेरे सके चाचू का बेटा है। हाँ। सके ताए का बेटा है। रात में खाना शुरू कर दिया सबने है ना, बस मैं और जान खा रहे, बच्चे तो खा नहीं रहे है ना, खा रहे बच्चे। और मैं अपने बच्चे को ले आई और सैम ने इसको डरा दिया है ना, डरा दिया ना सैमी ने गेट बंद करके। कैसे बने हैं? तो चावल बन भी गए, खा भी लिए, मेरे सिवा किसी ने नहीं खाए। मैंने भी खाए, बिट्टी ने भी थोड़े से खा लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ। अकेले जाए या ना जाए, अकेले जाए या ना जाए नॉर्दर्न एरिया।